नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है ओमनीजेल स्प्रे 2%। ओमनीजेल स्प्रे ये सिप्ला लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और हर मेडिकल स्टोर पर आप इसको पा सकते हो। ये दो स्ट्रेंथ में बाजार में मिलता है, ओमनीजेल 1% और ओमनीजेल 2%। दोनों ही में सिर्फ डाइक्लोफेनाक का ही अंतर होता है। जो 1% होता है उसमें डाइक्लोफेनाक 1% होता है, और जो 2% होता है उसमें डाइक्लोफेनाक 2% होता है। बाकी सभी चीज़ें सेम रहती है, सिर्फ जो डाइक्लोफेनाक है उसी का ही अंतर होता है, और जिसकी वजह से पावर और कीमत दोनों में ही थोड़ा अंतर आ जाता है। तो आज मैं ओमनीजेल 2% के बारे में कि ये कैसे लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कितने दिन तक लगाना चाहिए, सभी बातों पर मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों ओमनीजेल ये सिप्ला का एक प्रोडक्ट होने की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। देखिए ओमनीजेल ऑइंटमेंट हो या ओमनीजेल स्प्रे हो, ये सभी दर्द को कम करने के लिए होता है, और ये टॉपिकल यूज के लिए होता है, सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए होता है। जहाँ कहीं भी आपके बॉडी में दर्द है, दर्द चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो चोट की वजह से हो, मोच की वजह से हो, या खिंचाव की वजह से हो, या फिर अन्य किसी नशों से संबंधित कोई दर्द हो, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आँख के पास में अगर कहीं आपको दर्द हो रहा है, मुंह के पास में कहीं दर्द हो रहा है, कान के पास में, जननांग के पास में कहीं दर्द हो रहा है, मलद्वार के पास में कहीं दर्द हो रहा है, तो उस जगह पे आपको नहीं लगाना है। साथ साथ अगर चोट लगा है आपको और छिल गया है, तो छिले हुए जगह पे आप इस स्प्रे को नहीं लगा सकते हैं। छिले हुए जगह पर लगाने से, जले हुए स्थान पर लगाने से, कटे हुए स्थान पर लगाने से आपको अत्यधिक जलन होगा, जो कि असहनीय होगा, आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए इसका इस्तेमाल मत करना। और ये जो 2% वाला है ये तो और ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। भूल कर भी आपके पास में नहीं लगाए, अगर मान लीजिए चेहरे पे या सिर पे कहीं पे आपका लगा है कहीं चोट, तो वहाँ पर लगा तो सकते हैं, लेकिन स्प्रे को सावधानी पूर्वक करें। हो सके तो आप ग्लोव्स पहन लीजिए और उसके ऊपर स्प्रे करिए, और वहाँ से आप लगा लीजिए उसको, जैसे कि आप ऑइंटमेंट को लगाते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, आँख में जाने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर स्प्रे करोगे उसको, तो आँख में, नाक में, मुंह में जाने का चांस रहेगा, साथ साथ कान में भी नहीं जाना चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव अंग है, और इसमें जाने से भी आपको दिक्कत हो सकता है। ध्यान रखिए, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप 2 इंच की दूरी से या 5 सेंटीमीटर की दूरी से कम स्प्रे करें। ज़्यादा दूर से करने से भी जो दवाई है वो उड़ जाएगी, ठीक प्रकार से नहीं लगेगा, इधर उधर हो जाएगा, और ज़्यादा पास से लगाने पर भी फैलेगी नहीं दवाई, ठीक से अप्लाई नहीं होगा। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें डाइक्लोफेनाक 2% होता है, मिथाइल सैलिसिलेट 10%, मेंथॉल 5%, और जो अल्कोहल होता है वो 10% होता है। डाइक्लोफेनाक एक प्रकार का एनसाइड मेडिसिन है, जिसका काम होता है दर्द को कम करना। साथ साथ जो मिथाइल सैलिसिलेट है, ये जो प्रभावित स्थान है वहाँ का जो टाइटनेस है, मोटापन है, अगर सूज गया है तो वहाँ का जो स्किन है उसको मुलायम बना देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन अंदर तक, गहराई तक एब्जॉर्ब हो, उसका असर गहराई तक जाए। साथ साथ अल्कोहल और जो मेंथॉल है, ये दोनों भी दर्द में ही काम आता है, प्रभावित स्थान पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, सूज गया है, गर्म हो गया है, तो उस स्थान पर एक ठंडक पैदा कर देता है, जिससे दर्द को कम करने में भी मदद मिलता है। तो इन चारों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, ये मिल करके किसी भी प्रकार का दर्द आपके बॉडी के बाहरी हिस्से में हुआ है, चाहे वो सिर पे हो, गर्दन में हो, कमर में हो, पीठ पर हो, जांघों पे कहीं हो, घुटनों में हो, एड़ी में हो, या फिर हाथ की, पैर की उंगलियों में कहीं भी हो, किसी भी वजह से हो, गठिया की वजह से हो, या फिर अन्य किसी नष्ट संबंधित दर्द हो,
नसों में किसी प्रकार के ब्लॉकेज की वजह से भा सूज गया है उसकी वजह से दर्द हो, उसमें आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपका गठिया से संबंधित दर्द हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा, या किसी भी मामले का कोई पुराना दर्द है उसमें आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। जब चोट का दर्द है, चोट लगी है, बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द हो रहा है, तो ओमनीजेल ऑइंटमेंट या फिर ओमनीजेल स्प्रे जो 1% होता है उसकी अपेक्षा 2% ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा उस समय। वैसे तो आप ओमनीजेल 1% का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा दर्द रहता है, दर्द का ट्यूब या दर्द का स्प्रे लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं, अब वो असर नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए ये जो 2% वाला डबल पावर वाला ओमनीजेल स्प्रे है ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसको कितने दिन तक लगाना चाहिए, तो देखिए ये जो स्प्रे है इसको दर्द सही होने के बाद में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ज़रूरत हो आपको तो आप दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हो, यानी कि 4 से 6 घंटे के बाद में इसको रिपीट कर सकते हो। और लगाते समय ध्यान ये रखें कि किसी भी अंदरूनी अंगों में ये स्प्रे नहीं जाना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन कई बार इससे आपको स्किन रैशेज़ की समस्या हो सकती है। स्किन में जलन, खुजली, सोराइसिस आदि की परेशानी हो सकती है लंबे समय तक इस्तेमाल करने से। एक आध बार लगाने से इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप दर्द वाले स्थान पर ना लगा के आप छिले हुए, कटे हुए, जले हुए स्थान पर लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो 35 ग्राम या फिर जो 46 ml का जो बॉटल होता है वो लगभग 136 रुपये का होता है, और उससे छोटा या बड़ा भी मार्केट में उपलब्ध है। आपको जिस साइज़ का चाहिए आप वो ऑनलाइन या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा दर्द निवारक है, लेकिन ये एक OTC प्रोडक्ट होने की वजह से आपको डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। इसको कई बार लगाने के बाद भी अगर आपका दर्द सही नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर से डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको और कोई दवाई या फिर और कोई तरीका आपको बता सकते हैं जिससे आपका दर्द ख़त्म हो सकता है। तो ओमनीजेल स्प्रे डबल पावर जो कि 2% डाइक्लोफेनाक के साथ में मार्केट में उपलब्ध है, उसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।